नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने किचन ममता की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ शिमला मिर्च आलू और प्याज की सब्जी। देखिए, अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं तो ज़्यादा मसालेदार सब्ज़ी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं एकदम सादी सब्ज़ी बनाऊँगी और इसकी वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो देखिए, प्याज और शिमला मिर्च मैंने बड़े बड़े पीसों में कट कर लिया है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। कढ़ाई ले लें आप, थोड़ा सा उसमें डालेंगे सरसों का तेल, और जब तेल गर्म हो जाए, सरसों का तेल बढ़िया तरह से गर्म हो जाए, उसके बाद ही हमें इसमें जीरा डालना है। और जीरा जब अच्छे से ब्राउन हो जाए तो उसमें हमें डाल देना है हींग। ये देखिए, जीरा बढ़िया से ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा, एक चुटकी के करीब हींग। और देखिए, पहले से ही मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक कूट लिया है। अब इसे थोड़ा सा हम पका लेंगे लहसुन को। लहसुन थोड़ा सा पक जाए उसके बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज को। तो देखिए, प्याज थोड़े बड़े बड़े मैंने कट किया है, देखिए इस तरह शेप में, जिस तरह मैंने शिमला मिर्च को कट किया है। अब हमें प्याज को ज़्यादा टाइम नहीं भूनना है, सिर्फ इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसी के साथ मैंने हरी मिर्च भी डाला है। तो प्याज अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू को। ये देखिए, ज़्यादा देर हमें प्याज को नहीं पकाना है। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। तो आलू भी मैंने बड़े बड़े पीसों में कट कर लिया है। अब इसे अच्छे से हम पकाएंगे। आलू और प्याज अच्छे से एक साथ ही पक जाएगा। अब इसे ढक के हमें 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है। और उसके बाद बीच बीच में हमें चलाते रहना है, नहीं तो जल जाएगा। आलू थोड़ा सा रेड रेड हो जाए उसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च लास्ट में डालना है, क्योंकि पहले हम शिमला मिर्च डाल देंगे तो ज़्यादा पक जाएगा तो खाने में अच्छा नहीं लगता ज़्यादा पका हुआ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हल्का सा ही पकना चाहिए, इसलिए इसे सबसे लास्ट में डालेंगे। और ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। अब अच्छे से हम शिमला मिर्च आलू को मिक्स कर देंगे तेल के साथ। और इसे मसाले, इसमें सभी मसालों को डाल देना है। तो देखिए, जो घर पे यूज होने वाले मसाले हैं मैं सब वही डालूंगी। तो ये देखिए, थोड़े से मैंने इसमें अपना बनाया हुआ मसाला डाल दिया है, और थोड़े हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा तीखा चिल्ली फ्लेक्स, और थोड़ा सा गरम मसाला। और देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा आधा ही टमाटर इसमें डाला हुआ है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। तो गर्मियों में इस तरह से सब्जी बना के खाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है, दाल चावल रोटी के साथ इस तरह की सब्जी बना के खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। शिमला मिर्च देखिए बाद में डाला हुआ है तो देखने में ग्रीन ग्रीन लग रहा है, और आलू पहले डाला है तो पक गया है। ये देखिए, आलू अच्छे से पक जाना चाहिए। अब देखिए, आलू और सभी चीज़ गर्म है तो शिमला मिर्च इसके साथ ही बढ़िया से पक जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए इसे हम ढकेंगे। तो इसमें मैं क्या करूँगी, थोड़े से नमक को डाल दूंगी। उसके बाद मिक्स करने के बाद इसे ढक के 1 से 2 मिनट के लिए रख दूंगी। एकदम मीडियम आंच पे सब्जी को पका रही हूँ। हमारे यहाँ गर्मियों में इसी तरह से बनाते हैं दाल चावल के साथ खाने के लिए सब्जी। ढक के 1 से 2 मिनट के लिए मैं रख दूंगी एकदम मीडियम आंच पे। उसके बाद देखिए, अच्छे से पक गया है और शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो गया है। तो शिमला मिर्च एकदम गलना नहीं चाहिए। तो देखिए, आलू तो पहले से ही पका था और शिमला मिर्च भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए,
फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे सब्जियों को। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो कैमरे में अच्छे से कलर नहीं आ रहा है लेकिन रियल में बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लग रही है। इस तरह से हम मंचूरियन बनाते हैं, उस तरह से ही इसकी खुशबू आ रही है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, फिर से थोड़ी देर के लिए ढक देंगे हल्का सा। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला ऊपर से डाल दें। अब देखिए बढ़िया से मिक्स करने के बाद इसे ढक के छोड़ दें। उसके बाद सब्जी बनके तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है सब्जी, प्याज वगैरह सब बढ़िया से पक गया है इसमें। ये देखिए इस तरह से आप भी बनाए खाएं, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को फुल वॉच करें। ये देखिए सब्जी का कितना अच्छा कलर आया है, और सब्जी एकदम बढ़िया से बन के तैयार है। यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया है, सब्जी को मैं निकाल लूँगी प्लेट में। तो देखिए कितनी जल्दी और कितनी अच्छी सब्जी बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरह से आप भी बनाए खाएं। देखिए इसी तरह से मैं आपके लिए एकदम इजी रेसिपी लेके आती रहूँगी। ये देखिए लाइक सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।